सुरक्षा प्लस ये जो फैसला लिया गया, ये मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ और योगी सरकार ने जो भी फैसला लिया है हम लोग तो खुश है। वैसे अगर ये कानून बनाया तो ये काफी अच्छा कानून है। बहन बेटियों की सुरक्षा प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा ऊपर रहे, सर्वोपरि रहे हर चीज से, और वो फिर से एक बार देखने को मिला है। मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम की बहुत सराहना करती हूँ। योगी सरकार जो फैसला लेती है बहुत अच्छा होता है, तो ये मेरे हिसाब से ये फैसला बहुत अच्छा है और पूरे केंद्र सरकार को भी ये फैसला लेना चाहिए और पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लड़कियां ऑफिसेज में काम नहीं करेंगी। वैसे तो ये कदम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है, लेकिन इसको लेकर दो तरह की राय अब आ रही है। वैसे यहां पर मैं आपको ये चीज बताती चलूं कि ये जो रूल है ये प्राइवेट संस्थानों में भी जारी रहेगा और साथ ही साथ सरकारी संस्थानों में भी जारी रहेगा। किसी विषम परिस्थिति में अगर कोई लड़की रुकती है ऑफिस में या फिर नाइट शिफ्ट करती है तो उसके लिए बकायदा लिखित एप्लीकेशन देनी होगी। अब इसको लेकर एनएमएफ न्यूज की टीम क्या सोचती है, लड़कियां क्या सोचती हैं, लड़के क्या सोचते हैं, यही राय जानने की हम कोशिश करेंगे। आंचल, किस तरीके से देखती हो? ये जो फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा है। जिन महिलाओं को टॉर्चर किया जाता था ऑफिस में, बहुत सारी महिलाएं होती, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आती थी, उनको लेट नाइट तक रुकना पड़ता था, उन लोगों के लिए बहुत सही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ भी कर सकती है महिलाएँ, क्योंकि हमने देखा कि हर जो कानून बनता है उसका मिसयूज़ शुरू हो जाता है। तो ये तो सारे नियम और रूल्स के साथ है, तो ये भी है, लेकिन अगर सोचा है योगी सरकार ने तो बहुत ही अच्छा सोचा है। और इसके साथ ही जैसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर कि जो लोग हैं महिलाएं हैं वो काम करने से मना कर देंगी, और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन साथ में उनके लिए और सेफ्टी की अगर बात करें तो यूपी जो अभी यूपी में सरकार है और जो पहले रही है तो सेफ्टी तो जाहिर सी बात है कि बढ़ी है, लेकिन ये फैसला जो लिया गया है ये प्लस पॉइंट है। सुरक्षा प्लस ये जो फैसला लिया गया, ये मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ और योगी सरकार ने जो भी फैसला लिया है हम लोग तो खुश हैं। अच्छा, एक तो ये फैसला ले लिया गया है सेफ्टी के पर्पज से, योगी आदित्यनाथ ओवरऑल कैसा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, कुछ लगता है कि फ़र्क महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, पहले जो है कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती थी, अभी मेरे साथ ही सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी हो जाता है, कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है या कुछ भी करता है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है, और अगर एक ट्वीट करने के बाद ही मेरे साथ खुद हुआ है और मेरे को मतलब लगातार कॉल आई कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, जबकि वो जो पर्सन था वो नागपुर का था, महाराष्ट्र का था, यूपी का नहीं था, उसके बाद भी यूपी पुलिस ने एक्शन लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस भी अब बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डालने का काम कर रहे हैं इस कानून? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पैरों में तो कोई बेड़ियां नहीं डाला गया, पहले भी तो कोई बेड़ियां नहीं पड़ी हुई थी, हमारी मर्जी है, अब तो हमें और मर्जी दी गई है। भाई, हम रुकना चाहते हैं तो रुकें और ना रुकना चाहे तो हम घर जाएं, ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता, कोई बेड़ियां नहीं डाला गया। आप ऑफिस में काम नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर ही नहीं निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर जा सकते हैं, सिर्फ ऑफिस आवर्स के लिए है कि टॉर्चर ना हो महिलाएं, बस। नियाज, कैसे देखते हो इस कानून को? अगर ये कानून बनाया तो ये काफ़ी अच्छा कानून है, क्योंकि आमतौर पर ये होता ये है कि इसके दो पहलू हम कह सकते हैं। एक तो ये होता है कि जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो ऑफिस में काम कर रही होती हैं, वो दो तरह एक तरीके से दो शिफ्ट करती हैं, एक तो ऑफिस का काम करती हैं, ऊपर से घर जाने के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता है, तो दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाती हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो ऑफिस में काम करने के बाद घर पर भी जाकर के काम कर सकती हैं, क्योंकि घर का भी काम होता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये इसके एक मैं थोड़ा सा इस पर यह भी कमेंट करना चाहूँगा कि अगर ये कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के इस तरीके का फ़ैसला लिया गया है तो मेरे ख्याल से ये सरकार की नाकामी भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि आपको सुरक्षा के नाम पर इस तरीके के फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, तो ये एक पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि ये जो भी बना है इसमें महिलाएं जो हैं आपस मतलब वो स्वेच्छा से वो चाहें तो काम कर सकती हैं, ना चाहें तो वो घर जा सकती हैं, इस तरीके से जो बना हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसके दो पहलू जो मैंने बताए वो दोनों ही हैं। तो ऐसे में विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि कानून व्यवस्था जैसा पॉइंट आपने रख ही दिया, एक और चीज़ उठ रही है जो सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि वैसे हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षपात हो रहा है और सिर्फ सेफ्टी के नाम पर। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सेफ्टी के नाम पे ये पक्षपात वाली बात नहीं है, अगर पक्षपात
की बात है। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि महिलाएं जो हैं वो एक तरीके से दो शिफ्ट करती हैं। हो सकता है कि जो मेल होते हैं वो सिर्फ ऑफिस आते हैं, 9 घंटा या 10 घंटा काम किया, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे महिलाएं ऐसी होती हैं जो 9 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद उन्हें घर पे जाकर भी काम करना पड़ता है, घर में खाना बनाना पड़ता है। तो एक काम कर लीजिए, आप भी घर का काम कर लीजिए, फिर इक्वालिटी आ जाएगी। आशुतोष हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी राय क्या है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स देखते हैं, वैसे तो आपकी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है अगर आपको जानकारी हो तो पता ही होगा। योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला सुनाया है कि लड़कियाँ शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑफिस में काम नहीं करेंगी, क्या राय रखेंगे उस पर? मैम देखिए, इस पर तो सिर्फ इतना ही कहना है हमें कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, इनका कोई भी फैसला कुछ एक आध को आप छोड़ दीजिए तो जनता के विरुद्ध नहीं होता है, जो भी होता है फायदे में ही होता है। तो बहन बेटियों की सुरक्षा प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा ऊपर रहे, सर्वोपरि रहे हर चीज़ से, और वो फिर से एक बार देखने को मिला है। क्योंकि पिछली जो सरकारें रही हैं उस टाइम पे, जैसे ये तो हम लोग नोएडा दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन छोटे शहरों में क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट आई, सत्ता पक्ष है उसका, उन्हें मिल गया कुछ भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जिलों में, और वो बाइकों पर लगा के घूम रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस उन पर कुछ कार्रवाई करती है तो वो तुरंत सत्ता पक्ष का दबाव बनाने लग जाते हैं, वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, उनके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं बस निकलने के वहाँ से। लेकिन योगी गवर्नमेंट का क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी ताकत पुलिस है, इसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। तो ये जो फैसला है बहुत अच्छा है, 7 बजे के बाद वैसे नहीं रुकना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से ये फैसला बहुत अच्छा है, और पूरे केंद्र सरकार को भी ये फैसला लेना चाहिए और पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। थैंक यू। चलिए शुक्रिया करेंगे। चंद्रकला हमारे साथ है, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत ही अच्छा फैसला लिया है उन्होंने, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। जो भी डिसीजन है बहुत अच्छी है, पहले बहुत दिक्कत होती थी घर जाने में, अब थोड़ी आसान हो जाएगी, जल्दी पहुँच जाएंगे, बहुत अच्छा डिसीजन है। नेहा हमारे साथ मौजूद है, नेहा योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? ठीक है, पॉजिटिव भी है थोड़ा नेगेटिव भी है। 7 बजे जैसे जिनका घर दूर है उनके लिए ठीक है कि टाइम से निकल जाए, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, बहुत चीज़ें, लेकिन हाँ बेसिकली बात वही है कि होना ये चाहिए कि हम कभी भी निकले कभी भी जाएं तो वो हमारे लिए सेफ रहे, पुलिस वगैरह सारी कानून व्यवस्था सही रहे, ना कि ये होना चाहिए कि हाँ आपने वो टाइम घटा दिया कि हाँ आप कम टाइम के लिए जॉब करो। मतलब ठीक है, बहुत सारी जगह में ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 7 बजे एग्जैक्ट निकल जाओ। जैसे मैं मीडिया में हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हाँ अब इम्पॉर्टेंट खबर आ गई, ब्रेकिंग आ गई तो मैं कहूँ नहीं नहीं कानून है ऐसा कि मुझे 7 बजे जाना है तो मैं छोड़ के निकल जाऊँ। अगर एक एंकर है और उस जगह पर और कोई एंकर नहीं है तो वो कहेगी नहीं 7 बजे का कानून है, मैं छोड़ के निकल जाऊँ। तो ये सारी थोड़ी सी नेगेटिव है, इसके बजाय थोड़ा कानून व्यवस्था सही कर लिया जाए, ना कि ये कि हाँ 7 बजे निकलना है इतने से इतने शिफ्ट में। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो कुछ जो दूर रहती है और जो हाउसवाइफ होती हैं, जिनको घर पे, सॉरी हाउसवाइफ नहीं, जो वर्किंग वूमेन है लेकिन उनको घर भी संभालना है, तो कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो दोनों चीज़ें इसके लिए, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो कुछ के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी, कुछ के लिए थोड़ा सा वो होगा कि यार ये क्या है 7 बजे। मतलब पर नेहा, जैसे जो लड़कियां नाइट शिफ्ट करती हैं, वैसे तो बोला गया है कि लिखित एप्लीकेशन दे दें तो वो काम कर सकती हैं, लेकिन कहना आसान होता है और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। वही कहना चाहती हूँ कि ये नियम तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, जैसे वो जो होता है ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली जो कंपनियाँ हैं जहाँ पे माल चेकिंग वगैरह ये सब, तो वो तो उन सब के लिए क्या कहना, वो उनको तो आधे को तो पता ही नहीं हुआ कि ऐसा नियम है कि 7 बजे के बाद आप काम नहीं कर सकती। तो अगर उनको नहीं पता तो वो तो बेचारी वैसे ही लगी रहेंगी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता। अच्छा एक चीज़ और है नेहा, मान लीजिए किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी लेडी डॉक्टर के अंडर और रात में किसी मरीज को कोई दिक्कत हो जाए, और ऐसे में अब रूल तो आपको पता ही है, तो फिर तो कुछ लग रहा है कि कोई दिक्कत है। हाँ तो मैंने तो वही कहा ना कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये अच्छी चीज़ है कि आपने वर्किंग आवर घटा दिया है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है लड़कियों की सेफ्टी के लिए। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मैं मीडिया के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ब्रेकिंग आ गई तो एंकर, और उस जगह पर अगर एक ही एंकर अवेलेबल है तो वो ये तो नहीं कहेगी ना नहीं नहीं 7 बजे का शिफ्ट है और इसके बाद मैं काम नहीं कर सकती तो मुझे जाना है। तो ये चीज़ नेगेटिव भी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। चलिए थैंक यू। उमाकांत आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? नमस्कार नम्रता जी, ये योगी सरकार का जो फैसला है बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। देखा होगा ऑफिसों में बहुत प्रताड़ना होती है लड़कियों के साथ, योगी सरकार जो फैसला लेती है बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने देखा रोमियो स्कार चला था, उसमें लड़कियों, पहले देखा होगा कहीं लड़की खड़ी होती थी मार्केट जाती थी तो लड़कियों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार होता था, मगर योगी सरकार ने दिखा दिया कि लड़कियों के लिए वो
ऐसा अच्छा काम कर रही है कि वो कभी दुखी नहीं रहेंगी। तो योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, तो कोई नुकसान इसमें नज़र नहीं आ रहा, और पिछले दो कार्यकाल, अब दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया योगी आदित्यनाथ का, तो ये जो इतने साल में हम देखते आ रहे हैं, कुछ फ़र्क लगता है अखिलेश सरकार में और योगी सरकार में, खासकर लड़कियों के लिए जो वो काम कर रहे हैं? नहीं, योगी सरकार लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। देखा होगा आपने कि मुस्लिम जो लड़कियां होती थी उनके साथ तीन तलाक जो चला था, बहुत दिक्कत हो रही थी, पर यूपी में ऐसा कानून बनाया योगी सरकार ने कि लड़कियों को, खासकर जो मुस्लिम लड़की होती है उनके लिए तो बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम है। योगी और मोदी दोनों के ही आप प्रशंसा कर रहे हैं? दोनों के। आयुषी हमारे साथ हैं, इनसे भी राय इनकी ले लेते हैं कि ये इस मुद्दे पर क्या राय रखती हैं। ये जो फैसला योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है, आयुषी इसको लेकर क्या राय रखती हूँ? मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम की बहुत सराहना करती हूँ। इससे महिलाओं को बहुत अब बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि महिला सशक्तिकरण की तरफ उन्होंने जोर दिया हुआ है, इससे महिलाओं में और आत्मविश्वास जागेगा और उनको भी अंदर से ये लगेगा कि हाँ, हमारे पास भी कोई एक कानून है जिससे हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, और उनको अपनी स्वेच्छा से काम करने का अधिकार मिलेगा, और जिस तरह उनके अंदर एक डर सा था, वो डर भी उनमें ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो इस कदम की बहुत सराहना करती हूँ। तो आपकी सहयोगी आंचल ने एक पॉइंट उठाया था कि मिसयूज़ भी कुछ महिलाएं इसका कर सकती हैं। देखिए, मिसयूज़ जिसको करना होता है, तो जब ये कानून नहीं था तो भी सब मिसयूज़ ही जिसको करना होता है वो तब भी कर लेता है, तो वो तो उस तरह से लोग उपाय ढूंढ लेते हैं जिसको मिसयूज़ करना होता है, लेकिन जिनको देश को आगे ले जाने का जिनका कोई मकसद है उनके लिए तो मैं कहूँगी ये बहुत ही अच्छा है। योगी सरकार की तरफ से बहुत उनको मदद मिलेगी, और उनकी तरफ से जो ये कदम उठाया गया है मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। आपको तो नहीं रोका जाता रहा? नहीं नहीं हम तो लकीली हम जहाँ जिस संस्थान में हैं तो वहाँ पर हम अच्छा काम, मतलब हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, और हमें इस तरह से किसी भी कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाता है, और हम जो भी काम करते हैं हम सब इवन अपनी स्वेच्छा से करके जाते हैं, क्योंकि हमें उस तरह से हम एक जो कहते हैं ना सरकार की तरफ से हमें एक ये अधिकार दिया गया है कि हम नहीं रुक सकते हैं, तो इसी तरह सेम हम उस वैसा ही फील करते हैं संस्थान में तो, लेकिन बाकी जगहों में ऐसा नहीं है। कई ऐसे संस्थान भी हैं जहां पर उनको ज़बरदस्ती रोका जाता है या दूसरी तरह से टॉर्चर करके रोका जाता है, तो मैं ये कहूँगी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हम में से कभी भी कोई कभी पहले रहा होगा या आगे चल के हम कहाँ जाएंगे, कैसा संस्थान मिलेगा, ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं तो लकीली हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, हमें अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बाकी अपने देश की महिलाओं के लिए कहती हूँ कि वो कभी डरे नहीं, और योगी सरकार की तरफ से जो उनको कानून या जो अधिकार दिया गया है उसको साथ में लेकर अपना आगे बढ़ते जाएं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर NMF की टीम क्या सोचती है ये आपने जाना, लड़कियों की राय आपने जानी, लड़कों की राय आपने जानी, और ये जानना बहुत ज़रूरी भी था कि क्योंकि हम एक मीडिया संस्थान में काम करते हैं, 24 घंटे चैनल चलता है, हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हमें कितना फ़ायदा नुकसान, और ऐसे ही कितने लोगों को नुकसान फ़ायदा, इसकी थोड़ा सा एक जो आंकलन है ये करना ज़रूरी था। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं योगी सरकार के इस फैसले पर, जो भी आपका कहना हो, ये राय सुनने के बाद आपकी राय में कुछ बदलाव हुआ हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।